हेलो फ्रेंड, आज मैं आपके साथ में इडली मसालेदार की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो इडली मसालेदार शेयर करने के लिए, हम इडली नॉर्मली बनाते हैं घर में, सभी को बहुत पसंद भी आती है, लेकिन उसमें ही थोड़ा ट्विस्ट चेंज करें तो रेसिपी एक अलग सी हो जाती, इनोवेटिव हो जाती है। तो इस तरह की रेसिपी मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो आइए फ्रेंड्स, इंदौरी किरण किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम इडली के लिए देख लेते हैं हमको कितने प्रपोर्शन में चावल और उड़द दाल लेनी है। तो मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है, इस तरह से प्याले से मैंने 3 प्याले चावल लिए हुए हैं। ये चावल को मैं यहाँ पर डाल दूँगी, ये 3 प्याले, और 1 प्याला मैंने उड़द दाल ली है। तो ये उड़द दाल भी मुझे यहाँ पर ऐड कर देनी है। अभी इनको मुझे इसमें मुझे यहाँ पर 1/4 टीस्पून मेथी दाना यूज़ करना है, क्योंकि साउथ इंडियन जो भी डिशेस होती है, रेसिपी होती है, उनमें मेथी दाना और उड़द दाल का यूज़ मेनली किया जाता है। तो ये मेथी दाना डाल दिया। अभी हमको इसे धो लेना है अच्छी तरह से, और धोकर 4 से 4.5 घंटे तक मुझे इसे भीगने के लिए रख देना है। तो अभी मैं इसे धो लेती हूँ। ये हमारे दाल और चावल भिगाने के लिए रखते हैं, इसको अच्छी तरह से धो लिया है, जिससे इसका बोरिक पाउडर जो होता है वो निकल जाए। तो अभी मैं 4 से 4.5 घंटे तक के लिए इसे भिगा दूँगी, और भिगाने के बाद में हम बाद की प्रोसेस देखेंगे। अभी हमको जो इडली मसाला बनाने वाले हैं, उसमें हमको आलू मसाला भी लगने वाला है, और सूखे नारियल की लाल चटनी और हरी चटनी लगने वाली है। तो इसके लिए हम देखते हैं क्या क्या करना है हमको। 4.5 घंटे हो गए हैं भिगा के, तो चेक करना है। वाह, बहुत अच्छी तरह से ये भीग चुकी है। अभी इसको क्या करना है हमको, मिक्सर के पॉट में से डालकर और इसे इसका बैटर तैयार कर लेना है। मिक्सर पॉट में डाल दिया है और मैं बैटर तैयार कर लेती हूँ। और बैटर तैयार होने के बाद में हमें इसे 7 से 8 घंटे के लिए फर्मेंट होने के लिए रख देना। हमारा ये इडली बैटर हमने 4 से 5 घंटे तक भिगाने के बाद में इसे इस दाल को रात को फर्मेंट होने के लिए रख दिया था। तो अभी हमारा बैटर बनके तैयार हो चुका है, इससे हम आगे की प्रोसेस शुरू करेंगे। तो इसमें इसके लिए जो हमको ड्राई डोसा मसाला लगने वाला है, आलू मसाला लगने वाला है, और नारियल की चटनी लगने वाली है। तो ये तीनों रेसिपी मैं पहले ही दे चुकी हूँ, तो वो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो अब मुझे इडली बनाने के आगे की प्रोसेस, मसाला इडली के आगे की प्रोसेस शुरू करनी है, तो उसे हम देखते हैं। ये मसाला इडली बनानी है हमको, तो ये इडली बैटर यहाँ पर रखा है, और जो अन्य इंग्रेडिएंट है उसको देख लेते। ये नारियल और हरी मिर्च वाली चटनी है, जो हम इडली और डोसे के लिए साउथ इंडियन डिशेस में यूज़ की जाती है। ये मसाला डोसे के ड्राई मसाला है, ये आलू मसाला है, और यहाँ पर तेल लिया हुआ है। और गार्निशिंग के लिए हमको हरा धनिया और इस तरह से गाजर किसा हुआ लगने वाला है। तो अभी हमको प्रोसेस शुरू करनी है। इसके लिए मैंने कढ़ाई रखी हुई, गैस ऑन कर दिया है, और यहाँ पे मैं कुछ तेल डालूँगी। ये मैंने तेल डाला है, और तेल डालने के बाद में मुझे ये इडली का जो बैटर है वो बैटर यहाँ पर यूज़ करना है। तो ये जो नॉर्मल साइज़ की हमारी इडली होती है, उससे ये थोड़ा बड़ा होगा ये हमारा। तो अभी ये इसको डाल दिया है मैंने, इसे थोड़ी देर हम ढक कर होने देंगे। जब इसके ऊपर का कलर चेंज हो जाएगा, उस समय में हमको बाकी चीज़ें अप्लाई करनी हैं। देखिए, हमारी इस तरह से इडली का बन फूल गया है यहाँ पर। अभी इसे थोड़ा सा तेल डाल के हम इसे टर्न कर देंगे। तो टर्न करने के लिए मुझे स्पैचुला का यूज़ करना पड़ेगा। ये इस तरह से हो गई है, अभी इसे मुझे इस तरह से यहाँ पर टर्न कर लेना है इसे, और इसे थोड़ी देर होने देना है। अभी क्या करेंगे हम यहाँ पर, ये जो हमारी नारियल चटनी है, इस नारियल चटनी को यहाँ पर स्प्रेड कर दूंगी मैं। साथ में ड्राई चटनी स्प्रिंकल करनी है।
और आलू मसाला अप्लाई करना है। इस तरह से मैंने ये कर लिया है। हमारी इडली नीचे से हो गई क्या, इसे चेक कर लेंगे हम। हाँ, हो चुकी है। अब इसे पलट देंगे जिससे ये आलू की आलू मसाला है उसे थोड़ा सा शेप मिल सके। इस तरह से हम इसको कर देंगे। बस कुछ सेकंड के लिए रखना है, अभी इसे मैं निकाल लूँगी। अभी हम इसे निकाल लेंगे, गैस ऑफ कर देंगे। इसे निकाल कर मैं गार्निशिंग के लिए ले लूँगी। देखिए कितनी बढ़िया मसाला इडली है, बन के तैयार हो चुकी है। हेल्थ टिप्स मैं आपको बताऊंगी कि कई बार हमें नींद न आने की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है और कई सारी रातें ऐसी गुजर जाती जब हमको नींद नहीं आती है। तो ऐसे समय क्या करना चाहिए, हमको सोने से पहले एक घंटे पहले करीब करीब आप मोबाइल का यूज़ ना करें, टीवी भी ना देखें और अच्छे विचार लाने के लिए आप मेडिटेशन करें। मेडिटेशन में आप वही थिंकिंग करें कि दिन भर में आपने क्या अच्छा किया हुआ है, और जनरली हम सभी के लिए अच्छा ही करते हैं। तो इस तरह से मेडिटेशन करने से हमें बेनिफिट ये होता है कि हमारे दिमाग में बहुत अच्छी अच्छी पॉजिटिव फीलिंग आती है, उससे हमको सोने में बहुत हेल्प होती है और हमको रात को नींद अच्छी आती है। तो ये आज की ये बहुत इंपॉर्टेंट हेल्थ टिप्स थी आपके लिए। अभी मैं आज हम न्यूट्रिशन वैल्यू में देख लेते हैं। हमने उड़द दाल, चावल और मेथी दाना, साथ ही नारियल, सूखा नारियल, थोड़ा मूँगफली के दाने, ये सब चटनी में यूज़ किए हैं। आलू मसाला है तो इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा है आलू और चावल की वजह से, साथ ही प्रोटीन इसमें है, प्रोटीन की मात्रा अच्छी है और कैल्शियम बहुत अधिक मात्रा में है इस रेसिपी में। तो हम इस रेसिपी का यूज़ बिना डरे कर सकते हैं। इसके साथ में यहाँ पर विटामिन्स भी अच्छी मात्रा में है यहाँ पर, क्योंकि हम थोड़ा सा ये रेसिपी बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी है, क्योंकि इस तरह से गार्निश करके देते हैं हम कैरोट वगैरह या जो भी उनको अच्छा लगता है इस तरह से हम देते हैं, तो इससे न्यूट्रिशन वैल्यू और बढ़ जाती है। इसमें विटामिन्स भरपूर मात्रा में होते हैं कैरोट की वजह से, जो आरबीसी की मात्रा अच्छी होती है, डब्ल्यूबीसी भी बढ़ते हैं और साथ में अन्य जो वैल्यूज़ होती है न्यूट्रिशन वैल्यू, जैसे हमारा डाइजेशन इम्प्रूव होता है इन चीज़ों से। तो ये भी हमारा इम्पोर्टेंट न्यूट्रिशन वैल्यू है। साथ में इस रेसिपी की वजह से हमारा डाइजेशन तो ठीक रहता ही, साथ में ब्लड शुगर लेवल की मात्रा भी कॉन्स्टेंट रहती है, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा ऑयल और फैटी चीज़ का यूज़ नहीं किया है। तो इस तरह से आज आपकी न्यूट्रिशन वैल्यू होती है। अभी मैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। साथ ही स्वस्थ रहे, खुश रहे, प्रसन्न रहे, हेल्दी रहे। थैंक यू, धन्यवाद।